हेलो बच्चों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में आप सभी का। आज हम आपको बताएंगे टीथ के बारे में। टीथ के बारे में आपको सबको पता ही है कि टीथ कैसा होता है, और ये टीथ जो होती है हमारी फूड को जो होती है स्मॉलर पीस में ब्रेक डाउन करती है, और ये जो होती है दे हेल्प अस टू ग्राइंड टीयर एंड क्रश आवर फूड। तो हम आपको आज टीथ के बारे में बताएंगे। तो टीथ जो होती हैं, हमारे टीथ जो होती हैं टू सेट में प्रेजेंट होती हैं, टेम्प्रोरी और परमानेंट। तो टेम्प्रोरी टीथ जो होती है इज ऑल्सो नोन एज मिल्क टीथ। मिल्क टीथ जो होती है इज होती 20 इन नंबर होती हैं, अपर जॉ में 10 होती हैं और लोअर जॉ में होती हैं 10 होती हैं। और ये देखिए ये परमानेंट टीथ है, इसकी नंबर जो होती है 32 इन नंबर में होती हैं, और ये जो होती है 16 इन अपर जॉ और 16 इन लोअर जॉ में होती हैं। तो मिल्क टीथ जो होती है इज बिगिन टू ग्रो व्हेन चाइल्ड इज 6 मंथ टू 3 ईयर। 6 मंथ से ये जो होती है स्टार्ट होता है टीथ का ग्रो होना, और 3 ईयर्स तक जो होती है या बनती है और फॉल होती है। टीथ कब फॉल होती है? व्हेन जब चाइल्ड होती है 5 टू 6 ईयर ओल्ड के होते हैं तब ये जो होती है फॉल होती है। और ये जो जब टीथ जब फॉल हो जाती है तो एक और टीथ का सेट आता है, उसके कहते हैं परमानेंट टीथ। ये जो होती हैं थ्रू ऑफ लाइफ जो होती हैं, थ्रू ऑफ लाइफ जो तो ह्यूमन बींग में पाई जाती हैं, और ये जो होती हैं 32 इन नंबर होती हैं, और ये जो होती हैं 16 इन अपर जॉ 16 इन लोअर जॉ में प्रेजेंट होती हैं। तो टोटल जो हम लोग की टीथ जो होती हैं मिला के करते हैं तो हम लोग का जो होती है 52 टीथ जो होती हैं नंबर्स में पाई जाती हैं। तो देयर इज काइंड ऑफ टीथ। तो टीथ की कितनी टाइप्स होती हैं? इंसीजर, कैनाइंस, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स। ये देखिए जो फ्रंट साइड की जो टीथ होती है उसे हम कहते हैं इज कॉल्ड इंसीजर। इंसीजर जो होती है हेल्प करती हैं फूड को बाइट करने में हेल्प करती हैं, और जैसे 4 ही नंबर 1 2 3 4 जो टू सेट्स की पाई जाती हैं, 2 इस साइड में 2 जो होती हैं इस साइड में, 4 सेट प्रेजेंट होती हैं। सेकेंड है कैनाइंस। कैनाइंस होती हैं इंसीजर के जस्ट साइड में जो होती हैं कैनाइंस पाई जाती हैं। कैनाइंस होती हैं शार्प एंड पॉइंटेड होती हैं, और दोनों एक एक साइड से पाई जाती हैं, ये 1-1 सेट में प्रेजेंट होती हैं। और ये इसका काम क्या है, फंक्शन क्या है? टीयर करती हैं, टीयर हेल्प करते हैं टीयर फूड। और प्रीमोलर, प्रीमोलर आता है कैनाइंस के जस्ट बगल में आपका प्रीमोलर है, 2 सेट ऑफ प्रीमोलर्स पाए जाते हैं। प्रीमोलर कैसे हैं? वाइड एंड फ्लैट है, और ये करती हैं कट एंड ग्राइंड आवर फूड। फोर्थ इज मोलर। मोलर भी है आपके 6 मोलर इन ईच जॉ, 3 इन दिस साइड एंड 3 इन दिस साइड, एंड टोटल जो होती है 6 इन अपर एंड 6 इन लोअर जॉ। तो ये फंक्शन क्या है? क्रश एंड ग्राइंड करती है आवर फूड को। देखा दिस काइंड ऑफ द टीथ क्या है? इंसीजर, कैनाइंस, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स। अब देखिए आप इधर स्ट्रक्चर ऑफ टीथ। स्ट्रक्चर ऑफ टीथ में क्या है? ये जो होती है टीथ को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, क्राउन्स एंड रूट। ऊपर का जो पार्ट है क्राउन कहलाती है, नीचे जो होती है रूट। गम्स के ऊपर का जो पार्ट है वी कैन सी, वो जो होती है क्राउन कहलाती है, जिसको हम नहीं देख सकते वी कैन नॉट सी इज कॉल्ड रूट। तो ये जो होती हैं 3 पार्ट्स की होती हैं, 3 लेयर्स इसमें प्रेजेंट होती हैं। एनिमल, ऊपर का वाइट पार्ट जो होता है एनिमल होता है। ये जो होती है हार्डेस्ट पार्ट ऑफ आवर बॉडी जो होती है एनिमल कहलाती है। डेंटिन, डेंटिन जो होती है ये स्लाइटली येलो पार्ट होती है डेंटिन के, एनिमल के सर नीचे जो होती है डेंटिन पाई जाती है। और ये जो होती है पल्प, पल्प में आपके इनर मोस्ट पार्ट क्या है आपका? पल्प है, यहाँ पे नर्व्स एंड ब्लड वेसल्स जो होती हैं प्रेजेंट होती हैं। तो ये आपका जो होती है स्ट्रक्चर ऑफ टीथ है। अब नेक्स्ट आपका है प्लाक। प्लाक जो होती है जब हम ब्रश नहीं करते हैं, वेमिनर जब हम ब्रश नहीं करते तो स्टिकी लेयर जो होती है डेवलप हो जाती है हमारे टीथ पे। स्टिकी लेयर डेवलप ऑन टीथ, और ये जो स्टिकी लेयर होती है किससे बनी होती है? जर्म से बनी, तो जो हमारे माउथ में प्रेजेंट होती है। और ये जर्म्स जो होती हैं एसिड सिक्रेट करती हैं, जिससे जो हमारे एनिमल जो होती हैं, एनिमल में जो होती है ये जो होती हैं कैविटी बन जाती है। इसी जो इसीलिए होती हैं हमेशा टीथ
ब्रश जो होती है हमेशा रेगुलरली किया जाता है, नहीं तो कैविटी जो होती है बन जाती है। तो बच्चों आपने देखा हमने टीथ के बारे में आपको बताया। तो सो बच्चों जो आप जो है ब्रश हमेशा कीजिए ट्वाइस अ डे एंड सी डेंटिस्ट रेगुलरली एंड खाने के बाद जो होती है अपना माउथ वॉश कीजिए और जो शुगर से बनी हुई जो चीज़ें होती हैं उसको अवॉइड कीजिए, सॉफ्ट ड्रिंक से अवॉइड रहिए क्योंकि शुगर से बनी हुई जो चीज़ें होती हैं लॉन्ग टाइम तक हमारी टीथ में बनी रहती हैं और ये जो होती हैं बहुत ही हार्मफुल होती हैं और इसमें जो होती हैं जर्म्स भी डेवलप होते हैं। सो बच्चों ट्वाइस अ डे ब्रश रेगुलरली वंस अ मॉर्निंग एंड एट बेड टाइम, तब तक के लिए सो बच्चों थैंक यू।